दुनिया बेवकूफ है, बेवकूफ बनाने वाला होना चाहिए। इस युग में हम जिस ओर भी आंख घुमाकर देख लें, हमें यही दिखाई देगा कि हर आदमी दूसरे को बेवकूफ बनाने में जी जान से लगा हुआ है। हिंदी काउंटडाउन के इस वीडियो में आज हम आपको कुछ ऐसी वीडियोस दिखाएंगे जिसमें ये सभी आम जनता को बेवकूफ बनाकर हमारी हेल्थ और पैसों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंट्स पीपल कॉट चीटिंग ऑन कैमरा पार्ट 3। अगर आपका वजन कम होने का नाम नहीं ले रहा तो मैं आपके लिए एक स्कीम लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको एक ऐसी मशीन देने वाला हूँ जिसमें चढ़ने के बाद पल भर में आपका 76 किलो का वजन एक बटन दबाते 38 किलो का हो जाएगा। इसका वजन देखना, मेरा वजन है 76 किलो। कितना आ रहा? हाँ मानो 76 हो गया। 76 आ रहा मेरा वजन, ये देखते जाना जी। इसके बाद अब इसका ये रिमोट दबाऊंगा, ये वाला। अब मेरा वजन देखो, मिनटों में पतला करें। ये देखो इतना सारा लोहा लंगड़ो, ये सारी चीज हम बेच रहे थे और इसने वजन को कर दिया आधा। ये तभी समझ में आ गया था कि ये गड़बड़ कर रहा है। दरअसल ये भी एक तरह का फ्रॉड है। इसमें कबाड़ी वाले वेट मशीन के साथ छेड़छाड़ करके उसे रिमोट से कंट्रोल करते हैं। सामान तोलने के दौरान ये जेब में रखे रिमोट के बटन को बाहर से ही चुपचाप दबा देते हैं, जिससे उस सामान का असली वजन अपने आप मशीन कम बताने लगती है। जैसे 57 किलो के व्यक्ति का वजन रिमोट से बटन दबा देने के बाद मशीन में 25 किलो बताने लगेगा, जो ओरिजिनल वजन के आधे से भी कम है। रिमोट है, रिमोट दिखा बेटे। हेलो, रिमोट निकाल जरा। अरे निकालेगा नहीं वो, करेगा निकाल रिमोट कर दिया तो। हाँ कर तो सही, निकाल तो सही। रिमोट क्या रिमोट है तेरे पास? कौन सा रिमोट? कौन सा? हाँ जी कर दिया। हाँ देखो एक मिनट, ये रिमोट से काम कर रहा है अभी, करी जरा रिमोट से बदल। ये देखिए, ये 57 किलो का आदमी अब इसको कितने किलो का बना दिया? बनाओ बेटे दोबारा रिमोट। हमें रिमोट किलो 25, ये 25 किलो का कर दिया ये रिमोट। इसके बाद ये नहीं, इसके पास है। गुजरात के इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे गली गली घूमकर भंगार यानी कि कबाड़ खरीदने वाले एक शख्स की चोरी लोगों ने पकड़ ली। और कबाड़ वाले से जब पहले बोरी का वजन तुलवाया तो करीब 6.5 किलो आया। वही इसने जो चतुराई से मशीन में पत्थर रखा था, जब उसे हटवाया गया तो उसी बोरी का वजन 9.5 किलो आया। ये लोग अपनी मशीन के नीचे पत्थर रख दिया करते हैं, जिस वजह से तोली गई रीडिंग में तकरीबन 3 से 4 किलो तक का अंतर आ जाता है। गजब। इन लोगों ने तो तराजू जैसे साधारण चीज में भी जुगाड़ कर उसे फ्रॉड का जरिया बना दिया है। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऊपर की ओर जो कांटा होता है और बताता है कि किस तरह वजन ज्यादा है, उसे लॉक कर देते हैं, जिस वजह से आप एक साइड कितना भी वजन डाल लें तो दूसरी साइड रखे कम वजन के बाट के बराबर ही बताएगा। ये स्क्वायर हो गया तो ये अब इधर उधर कहीं हिलेगा नहीं। खोल देने से ये और इसको अगर ऐसे लॉक कर दिए, इसमें लॉक करना भी है थोड़ा सा ऐसे। ये लॉक कर देने से ये स्क्वायर से स्क्वायर फंस जाता है और ये बराबर हो जाता है बिल्कुल। रेस्टोरेंट के इन स्कैम्स को देखकर आपकी शक्ल भी राजपाल यादव जैसी हो जाएगी। ऐसे ही कुछ रुपेश वाघमरे ने दिखाया कि इतनी गहराई होने के बावजूद जब चम्मच उसमें डुबोया जाता है तो चिकन करी चुल्लू भर भी नहीं निकलती। रेस्टोरेंट वाले भैया तो एक बार फिर भी ठीक थे, लेकिन फिलीपींस की इस महिला के साथ तो हड्डी हो गई, जिसने ऑर्डर तो फ्राइड चिकन किया था लेकिन उसे रेस्टोरेंट वाले ने हाथ पहुंचने वाली तौलिया ही बेसन में लपेट कर फ्राई करके भेज दी। एक तो वैसे भी पेट्रोल के दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है, ऊपर से इसमें थोड़ी बची खुची कसर भी पेट्रोल पंप वाले पूरी कर रहे हैं। दिल्ली के इस पेट्रोल पंप से तिहाड़ जेल का सिपाही गुजर रहा था, लेकिन उसने इनकी कारस्तानी पकड़ ली। जब उसने जांच की तो मिलावट का स्तर देखकर उसके भी होश उड़ गए। उसने देखा कि पेट्रोल पंप में दिए जा रहे पेट्रोल में पेट्रोल की जगह सफेद दूध जैसा सिर्फ पानी दिया जा रहा है, और वो भी बेबाक तरीके से। सीधा ही ये देखो भाई,
ये देखो पानी चलने दे जनाब, ये पेट्रोल पंप से पानी भरा जा रहा है, ये देखो दूध निकल रहा है हाथों में, ये देखो ये दूध है ये जी, पानी की जगह दूध आ रहा है। इस वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कि जब पेट्रोल को निकाला गया तो वो किसी मिलावटी दूध की तरह दिख रहा था, और पता नहीं इस मिलावट के साथ पेट्रोल पंप वालों ने कितने लोगों की मेहनत की कमाई को लूटा होगा। ये है वर्ल्ड कप का दूध। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक पकोड़े के ठेले में वो सोयाबीन तेल भारी मात्रा में पाया गया, जिसे सरकार गर्भवती महिलाओं और गरीब बच्चों को कुपोषण से बचने के लिए बाल विकास सेवा योजना के जरिए फ्री में या बहुत ही कम दाम में उपलब्ध कराती है। और दुकानदार से पूछे जाने पर उसने बताया कि उसे बस किसी ने तेल 50 रुपए किलो में बेचने को दे दिया तो उसने खरीद लिया। बाकी इस तेल का क्या मतलब है, इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। सच में ऐसे फ्रॉड आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भरे बाजार में चप्पलों से मारने का जी करता है। एक बड़े से W के नीचे पैसा मिला हो या ना मिला हो, पर मुंबई के इस मकान में तो टाइल्स को अंदर सरकाने के बाद इनकम टैक्स वालों ने रेड करने पर तकरीबन 10 करोड़ कैश और 19 किलो चांदी बरामद की, जिसे सुनने के बाद तो मुझे भी चक्कर आ रहे हैं। दिसंबर 2021 के दौरान मनीष बिश्नोई नामक युवक ने अपने मिशन वाइट नामक यूट्यूब चैनल पर एक क्लिप अपलोड की, जिसमें देखा गया राजस्थान के जयपुर के पत्रकार कॉलोनी इलाके से मनीष के पास कुछ महिलाएं और लड़कियां एक पर्चा लेकर आती हैं और लाचार बनकर पैसों की मांग करने लग जाती हैं। लेकिन मनीष ने उनकी मदद करने से पहले अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और वीडियो पर उनसे कुछ सवाल पूछने लगा। अब वीडियो चालू देख सभी मोहतरमाएं घबरा गई और उनसे बिना मदद लिए ही दूर भागना शुरू हो गई, लेकिन मनीष ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और भागने की वजह पूछने लगा। मगर महिलाओं ने उसे वजह बताने की बजाय धमकियां देना शुरू कर दिया और जैसे तैसे बचकर एक ऑटो में चढ़कर भाग निकली। तब मनीष को पता चला कि ये सभी महिलाएं कोई जरूरतमंद नहीं थी, बल्कि वे सभी लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसे लूटने का धंधा कर रही थी। वैसे क्या आपकी कभी ऐसे फ्रॉड लुटेरों से मुलाकात हुई है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे साथ शेयर कर देना। दूध हर घर की जरूरत है, दूध हर कोई पीता है, लेकिन यही दूध कब जहर बनकर आपके सामने आ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। दिसंबर 2017 के दिन रायपुर से सामने आई इस वीडियो में एक दूध वाले को सुनसान गली में 10 लीटर वाले दूध के कंटेनर में लगभग 4 लीटर पानी को मिलाते हुए खुलेआम रिकॉर्ड कर लिया गया। ये लोग न केवल हमारी जेब से खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि हमारी सेहत से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि वो पानी कैसा है कौन जानता है। वो दूध वाला तो आराम से सुनसान गली में मिलावट कर रहा था, लेकिन दक्षिण भारत की इन तस्वीरों में तो देखिए कैसे खुलेआम बेखौफ होकर दूध में पानी मिलाने का पूरा व्यापार ही चल रहा है। ऐसे ही ये महाशय ट्रेन के स्वच्छ जल को दूध में मिलाते हुए देखे गए। ठीक ऐसे ही गाजीपुर में अपनी बालकनी से खड़े खड़े शैलेंद्र प्रताप सिंह को उनका दूध वाला उनके घर के नीचे ही दूध में पानी मिलाते हुए दिखाई दे दिया। वैसे अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे हालात नहीं है, क्योंकि वहां से भी इस तरह की तस्वीरें आए दिन देखने को मिलती है, जैसे पॉलीथीन में पानी भरकर कंटेनर में मिलाकर अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। हो सकता है सफेद रंग के लिए इन्होंने केमिकल भी डाला हो। यही नहीं, अब तो अमूल जैसे ट्रस्टेड ब्रांड के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है और असली दूध निकालकर बिचौलियों द्वारा नकली दूध भर दिया जा रहा है और पैकेट को दोबारा सील कर दिया जा रहा है। यानी हर जगह मिलावट ने पैर पसार लिए हैं भाई। पूरी पैकिंग को देखिएगा ध्यान से और ये वाले हिस्से को देखिएगा। इस पैकिंग को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से पैकेट को काट के इसमें से दूध निकाल के इसमें नकली दूध भरा हुआ है। अक्सर हम बाहर का चटपटा खाना पसंद करते हैं, लेकिन एक नजर इन वीडियोस पर डाल लीजिए। रतलाम के इस डोसा ढाबे से एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें प्लेट्स को धोने की बजाय सिर्फ कपड़े से साफ कर दोबारा ग्राहकों को डोसा परोसा जा रहा है। कुछ इसी तरह 2019 में ही चंडीगढ़ के सेक्टर 9 के एक रेस्टोरेंट की तस्वीरें सामने आई, जहाँ के बर्तन जमीन में जमे हुए पानी से धोए जा रहे हैं और फिर उनमें लजीज खाना परोसा जा रहा है।
जबलपुर के सिविक सेंटर इलाके के इस वीडियो में एक बुजुर्ग गंदे नाले के पानी को दो कैनों में भर रहा है। गंदा पानी भरने के बाद वो उस पानी को अपनी फास्ट फूड की दुकान में ले जाता है, फिर उसी गंदे पानी से बुजुर्ग खाने की प्लेट साफ करता है। शायद आपको सोचकर ही उल्टी आ जाए। वहीं अहमदाबाद के दूसरे कोने में नींबू पानी वाला सुलभ शौचालय से पानी भरता हुआ देखा गया, वो भी इतना बेधड़क जैसे उसे किसी चीज का डर ही ना हो। 2016 में अपलोड की गई इस वीडियो को तो शायद आप लोग न्यूज चैनल में भी कई बार देखे होंगे, जिसमें एक सब्जी वाले को रेलवे ट्रैक के नीचे भरे हुए पानी से सब्जियां धोते हुए देखा गया। और जब वीडियो बनाने वाले ने उसके साथ व्यंग किया, उन्होंने कहा अगर ऐसी सब्जी को हम लोग साफ पानी से अच्छे से धो लेंगे तो हम लोगों के पास कमाने खाने के लिए बचेगा क्या। जिसे सुनने के बाद समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर क्या प्रतिक्रिया दूं। मिलिए ग्वालियर के मशहूर गोलगप्पे बनाने वाले भगत जी से, जो फेमस इसलिए हैं क्योंकि भारत में गोलगप्पे बनाने वाले शायद सबसे अनहाइजेनिक व्यक्ति है। पता नहीं ये हाथ डालकर मसाले घोलते हैं या हाथ साफ करते हैं, लेकिन भगत जी का मानना है कि उनके गोलगप्पे दुनिया के सबसे ज्यादा तीखे होते हैं और इसी वजह से पानी के बताशे सिर्फ 18 से 50 साल के मर्द ही खा सकते हैं। क्योंकि उनके अनुसार एक बार एक औरत उनके बताशे खाकर बेहोश हो गई थी, जिसके बाद से इन्होंने औरतों और बच्चों को पानी पूरी खिलाना ही बंद कर दिया। सर बच्चे बाथरूम कर लेते गोलगप्पे खा के जी, और लेडीज चक्कर खा के गिर जाती, इसलिए बंद करी सर। मुझे शौक नहीं है किसी का आधार कार्ड दिखाने भी दिए जाए 18 से कम उम्र वाले लोग। 18 से कम वालों को आधार कार्ड दिखाने भी खिलाओगे? नहीं खिलाओगे। अब वो महिला इनकी अखंड शुद्धता देखकर बेहोश हुई थी या पानी का स्वाद ये तो नहीं पता, लेकिन भगत जी अपने हाथों से पानी घोलते हुए ये दावा जरूर करते हैं कि उनका पानी कहीं से भी अनहाइजेनिक नहीं है। दिल से फूडी और स्वाद इंडिया दा यूट्यूब चैनल इनको कवर कर चुके हैं। वैसे क्या भगत जी के स्वच्छ और साफ पानी के बताशों को एक चांस देना चाहेंगे? कमेंट करके बताइएगा जरूर। पानी पूरी आम आदमी से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटी की खास पसंद मानी जाती है, और हमने आपको पहले दिखाया था कि कैसे पानी पूरी और ब्रेड के आटे को कितनी अनहाइजेनिक तरीके से पसीने से तरबतर कारीगरों द्वारा गूंथा जा रहा था। उसी प्रकार अब यहां अप्रैल 2022 में सामने आई इस फुटेज को देखो, कैसे रस्क बनाने के लिए आटा गूंथने के लिए उसे कितनी गंदी जगह पर रख कर गंदे पैरों से गूंथा जा रहा है। इनका पसीना और ऊपर से पैर में जख्म हुआ तो समझ लीजिएगा ये लोग हमें खून पसीने की कमाई खिला रहे हैं। ऐसे नंगे पैर ही बाथरूम भी जाते हैं, ऐसे लोगों या फिर इनके मालिकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। दिल्ली के बलसवा में जहां जहांगीरपुरी इंडेन गैस सर्विस के कर्मचारियों ने टूटी हुई सील वाले सिलेंडर को देने की कोशिश की तो लोगों ने सिलेंडर लेने से मना कर दिया और पुलिस को भी बुला लिया गया, क्योंकि मामला प्रशासन की नजरों में आना जरूरी था। वैसे सिलेंडर में साफ लिखा रहता है कि डू नॉट एक्सेप्ट इफ द सील इज ब्रोकन, यानी सील टूटी हुई हो तो आप सिलेंडर मत लो, क्योंकि इसके ज्यादातर आसार रहते हैं कि टूटी हुई सील वाले सिलेंडर में गैस चोरी का घपला जरूर होता है। नोजल फेंक कर आया यार, हाथ में छीन के मेरे नोजल फेंक कर आया। नोजल ये देखो, सिलेंडर की सारी सील खुली हुई है। ये कहाँ से आई है ये बता? ये कांटा नहीं, दूसरे कांटे पे मुझे दे दे। जैसे कि भाई देख रहे हो, इस भाई ने ये जैसे सील तोड़ी है सिलेंडर की, वहाँ से निकल ये सील कहाँ से। ऐसे ही 2017 के इस वीडियो में इन लोगों ने बताया कैसे पाइप की मदद से टूटी हुई सील वाले सिलेंडर की गैस को घपलेबाज एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में ट्रांसफर करते हैं, जिसके बाद इसे ऐसा करके दिखाने को भी बोला। आपको इस बात को खुद समझना चाहिए, महंगाई के इस दौर में सिलेंडर को लेने के बाद एक बार उसके वजन की जाँच जरूर करें, क्योंकि हिंदी काउंटडाउन को आपके साथ साथ आपके पैसों की भी परवाह है। ऐसे रखते हैं इसे, देखो सिलेंडर पे, और देखो ऐसे रखते हैं पाइप लगा के दिखा एक बार। इस तरीके से लगाते हैं इसे, लगा पूरा लगा। ये देखो ऐसे गैस जो है अटारे के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। सेम यही चीज इस आदमी को खुले आम सड़क पर करते हुए रिकॉर्ड किया गया।
वैसे 2017 में ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, जिसमें ये दिखाया गया कैसे सिलेंडर के ऊपर लिखे मानक अंकों से छेड़छाड़ करके 1 किलो 800 ग्राम का चूना लगाया जा रहा था। वीडियो वायरल हो गई, लोग इसे अपने प्रियजनों को आगाह करने के मकसद से भेजने लगे। तो इसके बारे में हमने बड़ी डिटेल से तहकीकात की और प्रशासन से लेकर हर एक सोर्स को शामिल करने के बाद हमें ये पता चला कि सिलेंडर का कोई फिक्स वजन नहीं होता। लेकिन इंडेन गैस की वेबसाइट के मुताबिक सिलेंडर की कैपेसिटी 14.2 किलो की होती है, लेकिन जो सिलेंडर की बनावट है जिसमें लो कार्बन स्टील का इस्तेमाल होता है उसका वजन अलग अलग हो सकता है। इसलिए सही वजन आंकने के लिए आपको सिलेंडर और गैस का वजन जोड़कर देखना चाहिए जो वहां प्रिंटेड होता है। अब रही बात इस वीडियो की, तो जिसका मतलब ये किसी की शरारत है। विश्वदीप मोहंती नाम के इस यूट्यूबर ने झारखंड के जमशेदपुर के एक KFC में स्टाफ का भंडाफोड़ कर दिया, जो ऑप्शनल 5 रुपए के चैरिटी डोनेशन को कंपलसरी ही बिना पूछे लोगों के बिल में ऐड कर दिया करते थे। नहीं, आप लोग जो हर बिल में ये 5 रुपीज जो चार्ज कर रहे हो ऐड वो वाला, आपको अगर पूछना चाहिए ना। अपोजिशन न जाने कितनी बार ये कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हर किसी के बैंक खाते में 15 लाख ट्रांसफर करने का वादा किया था। अरे भैया, वादा नहीं किया था बल्कि करके दिखाया। इसी साल फरवरी 2022 में औरंगाबाद के एक गरीब किसान जनार्दन के बैंक खाते में अचानक से 15 लाख रुपए आ गए, जिसको लेकर उसने सोचा शायद मोदी जी ने वही पैसे उसके खाते में भेजे हैं। इससे बेचारा किसान इतना खुश हुआ कि उसने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिख दिया और 9 लाख रुपए बैंक से निकाल कर अपना मकान भी बनवा लिया। लेकिन तभी अचानक से उसे बैंक से नोटिस मिला कि वो 15 लाख रुपए उसके अकाउंट में गलती से ट्रांसफर कर दिए गए थे और अब उसे वो पैसे लौटाने पड़ेंगे, वरना सजा का सामना करना पड़ेगा। अब बताओ बैंक की सजा बेचारा भुगते। अब सही मानों में बात यह है कि बैंक की गलती है भाई, जिसने समय पर समस्या का समाधान नहीं किया और इतने दिनों बाद उन्हें होश आया कि उन्होंने किसी के अकाउंट में 15 लाख जैसी बड़ी अमाउंट ट्रांसफर कर दी है। मगर इस पर आपकी क्या राय नीचे कमेंट में बताना। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसका अगला पार्ट आप देखना चाहेंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट।